हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका माय यूट्यूब चैनल ओनली टेक सपोर्ट। दोस्तों आज की इस वीडियो हम बात करने वाले हैं इन्फिनिक्स स्मार्ट 5 के अंदर अगर आपको अपनी कॉल सेटिंग करनी है तो कैसे कर सकते हैं, या इस आपको स्मार्ट कॉल सेटिंग करनी है तो कैसे कर सकते हैं। इसी वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि आप अपने फ़ोन के अंदर अपनी कॉल सेटिंग करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं। तो इसके लिए वीडियो में बहुत सिंपल स्टेप रहने वाले हैं जिन्हें फॉलो करके आप अपने फ़ोन के अंदर अपनी कॉल सेटिंग कर सकते हैं। तो चलिए गाइस वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपने अब तक हमारा चैनल नहीं किया सब्सक्राइब तो चैनल कर लें सब्सक्राइब। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन प्रेस करना भूलें ताकि आपको अगली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके सबसे पहले। और गाइस वीडियो एंड तक जरूर देखना तभी आपको समझ में आएगा। तो आपको अपनी कॉल सेटिंग करने के लिए सबसे पहले अपना डायलर ओपन कर लेना। जैसे ही आप डायलर ओपन कर लेते हैं तो आपको इस प्रकार का इंटरफेस देखने के लिए मिल जाता है। वहीं आपको राइट साइड में 3 डॉट का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, तो इस पर क्लिक करेंगे। जैसे आप इस पर क्लिक करें यहाँ से आपको ऑप्शन मिल जाते हैं कॉल हिस्ट्री सेटिंग्स हेल्प एंड फीडबैक। तो यहाँ से हम सेटिंग को ओपन कर लेते हैं। जैसे आप सेटिंग को ओपन कर लेते हैं तो यहाँ से आपको सबसे पहला ऑप्शन देखो मिल जाता है डिस्प्ले ऑप्शन, इस पर क्लिक करेंगे। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपको ये बताता है आपके फ़ोन के अंदर जो कॉन्टैक्ट हो रहे हैं उन्हें आप किस प्रकार से शो करा सकते हैं। सॉर्ट बाय नेम में आ जाएगा फर्स्ट नेम, नेम फॉर्मेट में फर्स्ट नेम फर्स्ट पर आता है, फर्स्ट नेम जो फर्स्ट पर आ जाए। चूज इस थीम, यहाँ से आपको नीचे ऑप्शन मिल जाता है सिस्टम थीम जो आपको चेंज करना चाहें तो यहाँ से आप चूज कर सकती हैं। तो यहाँ से आपके लिए दो थीम देखने के लिए मिल जाती हैं, लाइट मोड या डार्क मोड, जो भी आपको करना हो तो यहाँ से आप इसे कर सकती हैं जो आपको पसंद हो। यहाँ से आप बैक आ जाते हैं। उसके बाद यहाँ आपको ऑप्शन मिल जाता है साउंड एंड वाइब्रेशन, इस पर क्लिक कर लेते हैं। यहाँ से आपको अपने जो भी बहुत सारे साउंड आपको देखने के लिए मिलते हैं जिन्हें आप अपने हिसाब से यहाँ से आप कस्टमाइज करके यूज कर सकते हैं। बहुत सारे ऑप्शन देखने मिल जाते हैं जिन्हें आप अपने हिसाब से कस्टमाइज करके यूज कर सकते हैं। ये सारे साउंड आपको यहाँ देखने के लिए मिल जाती हैं। यहाँ से बैक चलते हैं। उसके बाद यहाँ आपको ऑप्शन देखने मिल जाता है क्विक रिस्पॉन्स, इस पर क्लिक कर लेते हैं। जैसे इस पर क्लिक कर लेते हैं यहाँ से आपको ऑप्शन देखने मिल जाते हैं, जैसे आप कहीं बाइक पर चल रहे हो, कहीं मीटिंग में हो, बिजी हो, तब आप इसमें से कोई भी एक मैसेज सेलेक्ट करके भेज सकते हैं जो आपको इसमें से भेजना हो। कहीं किसी के लिए अगर कोई कॉल कर रहा हो तो उसके लिए भेज सकते हैं आप इसमें से। उसके बाद यहाँ आपको ऑप्शन देखने मिल जाता है ब्लॉक नंबर, सिंपली इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से आपको ऑप्शन मिल जाते हैं अगर आपको ब्लैक लिस्ट में कोई नंबर ऐड करना हो तो कैसे करें। तो सिंपली यहाँ आपको ऑप्शन मिल जाता है ब्लैक लिस्ट में हमारा कोई नंबर नहीं है, तो इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ से अगर आपको कोई नंबर ऐड करना हो तो यहाँ प्लस का आइकॉन मिल जाता है आपको, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से हम अपना एक नंबर डाल देते हैं जो हमें ब्लॉक करना रहता है। सिंपली इसे हम कर देंगे ऐड। जैसे आप देख सकते हैं हमारा ये नंबर हो चुका है ब्लॉक लिस्ट में ऐड। इन फ्यूचर अभी आपको जरूरत पड़ती है ये नंबर आपको अनब्लॉक करना हो तो कैसे करें, तो ये उसके सामने आपको ये ऑप्शन देखने मिल जाता है डिलीट का, इस पर क्लिक करेंगे, इसे रिमूव करेंगे। इस प्रकार से आपको जो ब्लॉक लिस्ट में नंबर ऐड किया था वो आपको हो जाता है अनब्लॉक। उसके बाद यहाँ से आपको कोई भी नंबर नहीं रहता है ब्लॉक लिस्ट में। वहीं आपको ऑप्शन देखने मिल जाते हैं ब्लॉक्ड कॉल, जो आपकी कॉल रहती हैं वो यहाँ से आपको शो होती हैं जो ब्लॉक हुई थी, और ब्लॉक SMS आपको यहाँ देखने के लिए मिल जाते हैं। यहाँ से हम बैक चलते हैं। उसके बाद यहाँ आपको ऑप्शन देखने मिल जाता है वॉइस मेल देखने मिल जाता है, अगर आप वॉइस मेल भेजना चाहते हैं तो किसी को भेज सकते हैं इसे। वहीं आपको ऑप्शन मिल जाता है असिस्टेंट डायलर, इस पर देख सकते हैं आपको बाई डिफॉल्ट ऑफ हो तो आप इसे ऑन कर लें। यहाँ से इससे क्या होता है सी कॉलर एंड स्पैम आईडी, जो भी आपको ट्रू कॉलर की तरह कॉल करता है, जैसे आपकी स्पैम कॉल आती है वो आपको बता देता है कि हाँ स्पैम कॉल आ रही है, इस बंदे की आ रही है, यहाँ से आ रही है। यहाँ से हम बैक चलते हैं। वहीं आपको ऑप्शन देखने मिल जाता है नियर बाई प्लेसेस, इससे क्या है यहाँ से आपको जो नियर बाई प्लेसेस है वो आपकी ऑन कर सकते हैं। आप चाहें तो इन्हें जो लोकेशन होती है आपकी वो आपकी शो होने लगती है अगर आपको इसे इनेबल कर रखते हैं। आपको किसी कॉल करते हैं, आप किसी की कॉल कॉल करते हैं तो उसमें आपकी लोकेशन आपकी फ़ोन में शो हो जाती है उसकी। यहाँ से हम बैक आ जाते हैं। वहीं आपको ऑप्शन मिल जाता है अबाउट टर्म एंड प्राइवेसी, जो भी आपकी टर्म एंड प्राइवेसी वो आप यहाँ से शो करा सकते हैं। तो ये थी गाइस हमारे फ़ोन की कॉल सेटिंग की वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई, और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें शेयर करें, और चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें ना भूलें ताकि आपको हमारे अगली वीडियो नोटिफिकेशन मिल सके सबसे पहले। मिलते हैं आपसे फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक।